Jai Namdev, so in this class I'll explain you about one very very important property of colloidal solution, you may say, or colloidal particle. And that important property of colloidal particle, which is a very property, that is Brownian movement. Okay, so in today's class I'll explain you in detail about what Brownian movement is, what is the reason behind Brownian movement, and which interesting phenomena it causes. Okay, in colloidal particle or colloidal solution, कौन सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना कॉज करता है, ठीक है, colloidal particle में. तो let's start talking about discussing about Brownian movement first. ठीक है, पहले हम Brownian movement क्या था समझ. देखो ये इसकी history एक्चुअल में पुरानी है, कि ये chemistry में कैसा है. Brownian movement में Brown जो शब्द आया है वो Robert Brown जो scientist था उसकी वजह से. Robert Brown scientist ने बताया कि कई ऐसे पार्टिकल है हमारे नेचर में जो सीधे पाथ में ट्रेवल नहीं करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह. तो आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में भी कई ऐसे इंसान हैं जो सीधे डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, ठीक है. मैं नेचर वाइज भी बात कर रहा हूँ और मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ बिहेवियर वाइज. आपने देखा होगा कई लोग बड़े टेढ़े होते हैं और कई लोग होते हैं टेढ़े, और कई लोगों ने तो अब ये भी फंडा बना लिया है कि भाई टेढ़े नहीं होंगे तो जिंदगी चलेगी कैसा. तो ऐसे टेढ़े लोगों के लिए ग्रोनियन मूवमेंट है, ठीक है. कई लोग चलते भी टेढ़े हैं एक्चुअली, वो चलना यहाँ से शुरू करेंगे. अगर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है तो आपके फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में कोई ना कोई होगा ऐसा कि चलना शुरू कर रहा है लेकिन यहाँ से शुरू कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पहुंचेगा लेकिन वो पहुंच जाता है वहां. अब हो सकता है वहां कोई अट्रैक्ट कर रहा हो, उससे ये बात अलग है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्राउनियन मूवमेंट इज रिलेटेड विद द ज़िगज़ैग मूवमेंट. टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कर नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है. वो सुना है प्रोवर्ब कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली रॉबर्ट ब्राउन कर दो. ये भी हो सकता है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उंगली टेढ़ी कर दो की जगह बोल सकते हैं कि उंगली रॉबर्ट ब्राउन कर दो, क्योंकि उसने टेढ़ी लोगों के बारे में ज्यादातर बताया. तो चाहे वो टेढ़ा इंसान हो, टेढ़ा उंगली हो या टेढ़े पार्टिकल हो. तो खैर मजाक वाली बात सही करते हैं, तो खैर मैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करने के लिए बता रहा था आपको. बट द थिंग इज दैट ब्राउनियन मूवमेंट इज द ज़िगज़ैग मूवमेंट. ज़िगज़ैग मूवमेंट का मतलब, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता. तो कोलाइडल पार्टिकल स्टूडेंट्स, व्हेन वी सी, व्हेन वी ऑब्जर्व कोलाइडल पार्टिकल, व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट लेट अस अज्यूम दिस टू बी अ कोलाइडल पार्टिकल. ये एक ही कोलाइडल पार्टिकल है पूरे डायग्राम में, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा ना कौन टेढ़ा है कौन सीधा है. तो जब हम इसका पीछा करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है एक सीधे रास्ते में ट्रेवल ना करता, ये ज़िगज़ैग मोशन में ट्रेवल करता है. ऐसा ये देखते कि पहले यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की तैयारी. इसी मूवमेंट को कोलाइडल, इसी मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है. सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो वी आर कन्फाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट टू कोलाइडल पार्टिकल्स. ये और जगह भी होता है, और जगह भी मिल सकता है. तो दिस इज द डेफिनेशन एज इट इज रिटन, इट इज द ज़िगज़ैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. Let me underline this, ज़िगज़ैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो डेफिनेशन इज प्रीटी सिंपल. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट. यह थोड़ा लेवल वाली बात है कि ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या है. भाई अगर कोई इंसान सीधे रास्ते में नहीं चल रहा है तो हो सकता है उसकी कुछ हिस्ट्री हो, है ना, उससे पता करना पड़ेगा. अगर आप के वो सर्कल में है तो भाई कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है. अगर किसी ने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, गलत बात है, हालांकि मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन चलो फिर भी, तो कोई कुछ भी गलत काम कर दिया तो हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं भाई उसने ऐसा करा क्यों, पैसे के लिए करा, खुन्नस में करा, ठीक है, कोई परेशानी में, डिप्रेशन में कर दिया, ठीक है. आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई टेढ़े रास्ते में चल रहा है तो उसका उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा. हो सकता है उसका दिमाग ही खराब हो, ये भी तो एक कारण है, ठीक है, सब कुछ सही है लेकिन दिमाग खराब है. तो कहने का मतलब यह है कि अगर ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है. चलो कारण डिस्कस करते हैं. कारण में जैसा स्टूडेंट्स यू पीपल नो दैट व्हाट डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेजेस. कोलाइडर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम और सॉल्यूट को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है, ये मालूम है आप लोगों को ऑलरेडी. तो यहाँ पर दोनों पर कोलाइडर पार्टिकल, ये जो ब्लैक कलर से मैंने आउटलाइन बनाई है कोलाइडर पार्टिकल है, ये ब्लू कलर से जो टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल. लेट अस इमेजिन वाटर, ठीक है, वाटर के पार्टिकल हो गए डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल. अब जब ये कोलाइडर पार्टिकल यहाँ पर कोलाइडर सॉल्यूशन में था या मान लो है, तो जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है वो इससे लगातार टकरा रहे होंगे, कोलाइड कर रहा हूँ, ठीक है, टकराएंगे. जब सब रैंडम मोशन में, जब सब मूव कर रहे हैं, भाई लिक्विड के पार्टिकल रुके थोड़ा होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड पढ़ी है 11th क्लास में,
ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ी है, तो कुछ पॉइंट कॉमन है। एक पॉइंट ये भी कि लिक्विड और गैस दोनों के पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, नीचे ऊपर आगे पीछे। तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से जब ट्रेवल कर रहे हैं, तो टकराएंगे, ऑब्वियसली बात है, खुद से भी टकराएंगे, कोलाइडल पार्टिकल से भी टकराएंगे। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोलाइडल पार्टिकल वाटर के पार्टिकल हर तरह का टकरा रहे हैं इससे, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड हमें ये समझती है कि हर लिक्विड का पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मतलब एक ग्लास में आपने पानी लिया, उसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड तो सेम ही है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो सब अलग अलग स्पीड से टकराएंगे इससे, कुछ जल्दी टकराएंगे, कुछ देर से टकराएंगे। तो ऐसे में जब ये टकराएंगे, जब ये कोलाइड करेंगे इससे, तो बताओ जो फोर्स ये जनरेट करेंगे टकराने के बाद, वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, सोचो और बताओ। ठीक है, कुछ ये डायग्राम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है, देखो ये एरो इंडिकेट कर रहा है फोर्स टकराने का, कुछ पार्टिकल जो तेजी से आ रहे हैं जल्दी जाकर टकरा देंगे, कुछ धीरे से टकराएंगे, ठीक है, कुछ देर से टकराएंगे, कुछ ज्यादा ताकत से टकराएंगे, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल टकराते हैं, तो ये टकराएंगे अनइक्वल फोर्सेस, जो स्ट्राइक करेंगे, दैट स्ट्राइक विद अनइक्वल फोर्सेस, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड सॉल्वेंट स्ट्राइक अगेंस्ट द पार्टिकल ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्स यानी सॉल्यूट विद अनइक्वल फोर्सेस। और क्योंकि स्टूडेंट्स फोर्स अनइक्वल है, तो डायरेक्शन जो होगी इस पार्टिकल की वो जीरो तो होगी नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा जहां रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है रिजल्टेंट इस पर ज्यादा है, तो मैं इधर एक एरो बना देता हूं जो इंडिकेट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स को, ऐसी जगह ऊपर पहुंचेगा तो उधर रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन होगा तो कहीं और चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मान लो आपकी 12th क्लास पास करने के बाद किसी के घर में जाता ना कि कोई ये बोलता है कि बेटा हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आपको लगे अच्छा कर लेते ट्राई करते, तभी कोई दूसरा आकर बोलता है कि नहीं नहीं यार आजकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा कमी है, कितने सारे दुनिया भर के इंजीनियर बन गए, नौकरी तो है नहीं, आजकल डॉक्टर वायरस का भी जमाना है, बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है, मुझे तो लगता है इसे डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है भाई, हो सकता है आप महान हो, ठीक है आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो चलो डॉक्टर की तैयारी कर लेते हैं भाई। कोई तीसरा बंदा आता है कहीं आप जाते हो, तो ये वो अपना अपना ज्ञान सब लोग बढ़ता रहता है, कोई आपको इंजीनियर बनाने पर तुला है, कोई आपको डॉक्टर बनाने पर तुला है, कोई सीए बनाने पर तुला है, कोई कुछ बनाने पर, कोई कुछ बनाने पर, वहां आपके अंदर से जो आवाज आ रही है कहीं ना कहीं दब जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि अगर इंसान खुद डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उसके पास, तो बताओ उसका रास्ता एक फिक्स होगा या जिगजैग। देखो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, यही यहाँ पर अनइक्वल फोर्सेस हर डायरेक्शन से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो इसलिए इसका पाथ सीधा नहीं हो पाता, ये भी बोलता मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, समझ रहे हो ना बात को। ऐसा ग्रेट साइंटिस्ट ऋतिक रोशन के पिक्चर में ये चीज देखी गई थी, तो ये भी इसका हाल भी उसी की तरह है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, बस फिसलना नहीं है, ध्यान रखना, फिसल गए तो गए। तो द रीजन इज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम स्ट्राइक अगेंस्ट यानी टकरा रहे हैं विद पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सेस विद अनइक्वल यानी कोलाइडर पार्टिकल विद अनइक्वल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स दिस इज द की रीजन, अनइक्वल फोर्सेस रिजल्ट्स इन ज़िगज़ैग। क्लियर, चलो ये बात हो गई। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन ऑफ, and that question is that which phenomenon is responsible for stability of colloidal solution. Which phenomena is responsible for stability of colloidal solutions? So this is the question, and जब ये question आएगा तो answer आपको लिखना है कि the phenomena which is responsible for stability of colloidal solution is Brownian movement. यह answer लिखेगा।
ब्राउनियन मूवमेंट इज द मेन फिनोमेना व्हिच इज रिस्पांसिबल, और भी छोटे मोटे दो चार रीजन है वो अभी चलकर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मेन जो आंसर वो यही है ब्राउनियन मूवमेंट इस्तेमाल होता है किसी को लेटर सर्च कैसे, तो उसके लिए आपको पहले समझना कैसे, तो अगर पूछेंगे तभी बताना है, अगर सर क्वेश्चन इतना ही और अभी तक इतना ही आया है उन्होंने कैसे नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, स्टेबिलिटी जो कोलाइडर सॉल्यूशन की है, देखो ऐसा है कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये इसमें जो ब्लू कलर के पार्टिकल बना रहा हूं मैं, ये हो गए कोलाइडर पार्टिकल्स, इसमें ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स यहां पर नीचे बैठे। अब ये तो कोलाइडर सॉल्यूशन है, दिस इज अ कोलाइडर सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोलाइडर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स हुज डायमेंशन इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है मालूम है आप लोगों को, डिस्पर्शन मीडियम है और पूरा डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व होने का मतलब घूम रहे हैं इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर फैले हुए। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस का मतलब हर तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे कोलाइडर पार्टिकल होने चाहिए, तो ये एक कोलाइडर सॉल्यूशन हमारा बोल रहा है। क्या बताओ इसे सॉल्यूशन बोलेंगे हम, क्या ये होमोजेनस लग रहा है? देखो इसमें नीचे तो कोलाइडर पार्टिकल नजर आ रहा है, अगर ये कोलाइडर पार्टिकल है तो यहाँ बीच में नहीं है ऊपर में, तो ये तो होमोजेनस ही, जब ये होमोजेनस नहीं है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन ही नहीं है तो कोलाइडर सॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट और सेकेंड वाले में कौन सा कोलाइडर सॉल्यूशन है, तो अनडाउटेडली आप बोलोगे फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड वाला तो सॉल्यूशन ही नहीं है तो कोलाइडर सॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, सॉल्यूशन मोर स्टेबल कौन है, तो भाई ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है तो स्टेबिलिटी का तो मतलब ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही कम स्टेबल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसे लेस स्टेबल, और ये क्योंकि कोलाइडर पार्टिकल घूम रहे हैं इसमें चारों तरफ, तो इसलिए ये क्या हो गया मोर स्टेबल, क्योंकि सॉल्यूशन है होमोजेनस है, होमोजेनस में ऐसी होना चाहिए सारे पार्टिकल इधर उधर घूमने चाहिए, ठीक है ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मिलेगा पार्टिकल, तो ये हो गया मोर स्टेबल। अब सवाल ये है कि इसमें स्टेबल बना पा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि पार्टिकल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे बैठ गए, कोई ना कोई ऐसी ताकत होगी, भाई देखो ना ये कोलाइडर पार्टिकल जैसे मैंने बताया था, कोलाइडर पार्टिकल नीचे भी आ रहा था ऊपर भी जा रहा था फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है कोलाइडर पार्टिकल, तो ये जो कोलाइडर पार्टिकल चलो नीचे आ रहा है इसका अधिक तो ये हो गया कि ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया अग्री कर ली, लेकिन अगर कोई ये बोलेगा ऊपर भी हो गया तो भाई ऊपर जाने का कोई ना कोई कारण होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज अपने ऊपर थोड़ा चली जाएगी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने के लिए एक फिनोमेना है जो उनको मदद कर रहा है, एक फिनोमेना है जो उनको ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल करने में मदद कर रहा है, एक फिनोमेना है जो अपोज कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को, एंड दैट फिनोमेना इज ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट में अगर ये पार्टिकल मान लो यहां पर है नीचे और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल इससे इस डायरेक्शन में ज्यादा टकराए और इस डायरेक्शन में कम टकराए, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम यानी लिक्विड के पार्टिकल सबकी वेलोसिटी अलग सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग, तो मान लो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल ऐसे टकरा गए तो ये तो ऊपर चला जाएगा, टकराने का मतलब ब्राउनियन मूवमेंट, तो क्या भी पढ़ा था हमने, और ऊपर चला गया का मतलब ग्रेविटी को अपोज कर दिया, इसी वजह से कोलाइडर पार्टिकल जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे भी आ रहा होता है वो ब्राउनियन मूवमेंट के कारण दोबारा से टकरा कर ऊपर पहुंच जाता है, और ये फिनोमेना चलता रहता है, वो नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया लगातार चल रहा है, इसका तो होमोजेनस मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है हमारा कोलाइडर पार्टिकल, हमेशा आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे ज्यादा मिलेंगे ऊपर कम मिलेंगे बीच में अलग मिलेंगे, वो ऊपर जितना है बीच में उतना ही नीचे भी उतना ही, इसीलिए ये स्टेबल रहता है, तो स्टेबिलिटी के पीछे जो मेन वजह है वो है ब्राउनियन मूवमेंट, समझ गया आप लोग, अगर कोई पूछेगा तो आप रीजन यही बताओगे ब्राउनियन मूवमेंट अपोजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स and does not allow collider particles to settle down, वो gravitational force का oppose करता है, collider particle को नीचे बैठने नहीं देता, इसीलिए वो stability के लिए responsible है। ठीक है, तो I hope आप Brownian movement क्या है वो समझ गए होंगे, उसका cause क्या है वो समझ गए होंगे, और Brownian movement collider solution को कैसे stable बना रहा है वो समझ गए होंगे। तो student, this is all about Brownian movement which you need to know, जो examination में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो इतना टॉपिक है जो आपको करना है, तो आगे की क्लास आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।